हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं सभी का। दोस्तों हम लोग सीख रहे हैं कोरल ड्रा X8 और हम लोगों का चल रहा है बेसिक सीरीज। और पिछले कुछ वीडियोस हम लोग लगातार बात कर रहे हैं मेनूज के बारे में, और आज भी हम लोग बात करेंगे मेनूज के ही बारे में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एडिट मेनू के अंदर मौजूद पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और बार बार आपको जो है टाइपिंग टेक्स्ट इधर उधर लेकर के जाना होता है, या फिर किसी अदर टाइपिंग सॉफ्टवेयर से आपको जो है कोई भी टाइपिंग टेक्स्ट लेकर के कोरल ड्रा में आना होता है, तो उस वक्त ये टाइपिंग स्पेशल बहुत ही कमाल का काम करता है। तो आप इस ऑप्शन को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मास्टर बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कोरल ड्रा पर और देखते हैं इस ऑप्शन के बारे में। तो दोस्तों ये रहा कोरल ड्रा X8, और इसके जो है आप एडिट मेनू के अंदर आप यहां पर देख सकते हैं, चूंकि अभी ये हाईलाइटेड नहीं है, तो एक्चुअली कब हाईलाइटेड होगा। मान लीजिए आपको इस फाइल के अंदर कोई टेक्स्ट लेकर के आना है जो आप एमएस वर्ड वगैरह में आप कहीं पर टाइप किए हुए हैं, और उन टेक्स्ट को लेकर के आपको कोरल ड्रॉ के अंदर आना है, तो आप जो है वो टेक्स्ट को कैसे लेकर के आएंगे। तो एक्चुअली क्या होगा कि जब आप एमएस वर्ड के उस फाइल के अंदर से कुछ टेक्स्ट, यानी कि जितने भी टेक्स्ट को आपको कोरल ड्रॉ के अंदर लेकर के आना है, आप पहले वहां से कॉपी करेंगे, और उसके बाद जब यहां पर आएंगे तो ये पेस्ट स्पेशल हाईलाइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलते हैं एमएस वर्ड पर किसी भी फाइल में, और वहां से कुछ टेक्स्ट को हम कॉपी करते हैं। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं एक ये टेक्स्ट लिखा हुआ है जो हिंदी में है, तो यहां से हम इतने पार्ट को जो है हम कॉपी करते हैं। एक्चुअली सेलेक्ट करने के बाद हमने इस तरीके से सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जो है हम कॉपी करते हैं और इसे हम लेकर के चलते हैं कोरल ड्रॉ के अंदर। तो यहां से कोरल ड्रॉ में आने के बाद जो है, अब एक्चुअली हमने कॉपी कर लिया वहां से, उसके बाद जब हम एडिट पर जाएंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल दोनों ही ऑप्शन जो है हाईलाइट हो गए हैं। लेकिन यहां पर हमें पेस्ट स्पेशल को समझना है, तो हम पेस्ट स्पेशल पर जाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहले पेस्ट पर है, और पेस्ट ऑप्शन के अंदर यहां पर कई सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इन सभी ऑप्शन को पहले समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि पेस्ट लिंक का क्या काम है। तो सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट रखते हुए, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट रखते हुए, जब हम ओके करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं ये जो है एज इट इज वो टेक्स्ट जो है यहां पर आकर के कॉपी हो गया है। लेकिन अब अगर हम इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहें, कुछ भी चेंज करना चाहें, तो वो हम चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये जो है इसके अंदर ये परिवर्तन होगा। आप लेकर के तो आ जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार की अगर आपको चेंजिंग करना है तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। चेंज करने के लिए जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये एमएस वर्ड में खुलेगा, क्योंकि ये वहां जाकर के नहीं खुला जहां से आप लेकर के आए थे। एक्चुअली ये न्यू फाइल में जाकर के एमएस वर्ड में खुलेगा, क्योंकि ये एमएस वर्ड में बनी हुई फाइल है, और यहां पर ये एमएस वर्ड के लिए ही ये ऑप्शन है। तो एमएस वर्ड में जाएगा, और वहां पर जाने के बाद आप जो है डायरेक्ट यहां से जो भी चेंजिंग करनी है वो चेंज करेंगे, और यहां से क्लोज करेंगे तो फिर ये दोबारा जो है आकर के यहां पर इसी प्रकार से ये बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप इसका यूज करेंगे। और उसके बाद जो ऑप्शन है वो है, तो अगला ऑप्शन को देखते हैं। पेस्ट स्पेशल पर हमने क्लिक किया, उसके बाद पिक्चर मेटा फाइल है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये बिल्कुल एक इमेज की तरह आएगा। हम इस पर डबल क्लिक करने के बाद भी हम वहां पर लेकर के नहीं जा सकते, तो ये क्या है, ये इस तरीके से आएगा। और ये जो है जब आप इस टेक्स्ट को जब क्लिक करेंगे, और किसी भी लाइन पर जब आप क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से ये अलग अलग टूट जाएगा, और जैसे जहां पर आप क्लिक करेंगे ये अलग अलग टूट करके बिखरा हुआ नजर आएगा इस तरीके से। लेकिन अगर आपको साथ में रखना है इस तरीके से, तो आप इसे सेलेक्ट करें, कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ये पूरी इमेज की तरह सेलेक्ट होगा, और आपको जहां पर भी वहां रखना है वहां पर रख सकते हैं। और आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये एमएस वर्ड में नहीं जाएगा, लेकिन आप इसको जो है यहीं पर चेंज कर सकते हैं। कोई टेक्स्ट वगैरह बदलना है तो आप यहीं से चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसके अंदर हमें कुछ करना है, तो आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर जो है कुछ भी चेंज कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और आप इसके अंदर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं अलग अलग लाइंस के अंदर ये अपने अकॉर्डिंग ये तोड़ दिया है टेक्स्ट को, तो आप इस तरीके से आप चेंजिंग भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम अगला ऑप्शन को देखते हैं, एडिट पर जाएंगे और स्पेशल
पेस्ट स्पेशल पर आने के बाद दूसरा जो है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहां से आप ये देख सकते हैं मेंटेन फॉन्ट एंड फॉर्मेट। ये पूछेगा कि आपको वहीं से मेंटेन फॉन्ट भी करके चलना है और फॉर्मेट भी करके चलना है, या फिर नीचे वाले पर क्लिक करेंगे तो मेंटेन फॉर्मेट ओनली पर क्लिक करके चलेंगे तो सिर्फ जो है फॉर्मेट को मेंटेन करके चलेगा। तो और उसके नीचे जो है डिस्कार्ड फॉर्मेट एंड फॉर्मेट, यानी कि इस पोजीशन में जब लेकर के आएगा तो कोई भरोसा नहीं है कि वो कैसे चेंज कर देगा। तो यहां पर हम फर्स्ट वाले पर यानी कि मेंटेन फॉन्ट एंड फॉर्मेट पर क्लिक रखते हुए जब हम ओके करेंगे तो यहां पर जो आएगा वो बिल्कुल फॉन्ट एंड फॉर्मेट को मेंटेन रखते हुए आप ये देख सकते हैं ये पैराग्राफ टेक्स्ट की तरह लेकर के आया हुआ है। जैसे कि कोरल ड्रॉ के अंदर हमने बताया था कि पैराग्राफ टेक्स्ट आप कैसे करेंगे, तो आप इसके अंदर चूंकि एक ये पैराग्राफ बन करके आया हुआ है तो आप इसके अंदर किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये बिल्कुल कोरल ड्रॉ को मेंटेन रखते हुए बिल्कुल पैराग्राफ की तरह ये वर्क करेगा, जैसे कि आपने पैराग्राफ में टेक्स्ट को करते थे इंटर करेंगे तो बिल्कुल ये पैराग्राफ की तरह उसी की तरह ये वर्क करेगा फुल्ली बिल्कुल भी। तो यहां पर जो है इसके अंदर पैराग्राफ से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस कोरल ड्रा के अंदर हैं वो सारे के सारे आप इसके अंदर यूज करके आप इसको अपने हिसाब से सेट करने के बाद जो है आप कोरल ड्रा के अंदर ये फाइल को सेट कर सकते हैं, यानी कि इस टेक्स्ट को जो है सेट कर सकते हैं। तो हम इसको भी साइट करते हैं और इससे अगला ऑप्शन को समझते हैं। इससे अगला जो ऑप्शन है वो होगा टेक्स्ट। जब हम टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहां पर एक्चुअली जो बाय डिफॉल्ट कोरल ड्रॉ के अंदर पहले से जो फॉन्ट होगा तो कोई भी फॉन्ट आप कहीं से भी लेकर के आएंगे, यानी कि एमएस वर्ड से अगर आप लेकर के आते हैं तो यहां पर आने के बाद वो जो बाय डिफॉल्ट कोरल ड्रॉ का जो फॉन्ट होगा उसके अंदर ये जो है उसे कन्वर्ट कर देगा। तो चूंकि वहां पर हमने हिंदी फॉन्ट में लिखा हुआ था और यहां पर बाय डिफॉल्ट एरियल होता है तो ये चूंकि हिंदी में ही लिखा हुआ है लेकिन यहां पर आने के बाद ये इंग्लिश फॉन्ट में चेंज कर दिया तो वो टेक्स्ट जो है इस तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पर अगर आप इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं, मान लीजिए अगर आप हिंदी में कर देते हैं तो ये बिल्कुल हिंदी के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि यहां पर बाय डिफॉल्ट फॉन्ट ये ले लिया है। उसके बाद आप यहां से पैराग्राफ वाले सारे के सारे चेंजिंग आप यहां पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे। उसके बाद जो है वो है पिक्चर इनहेंस मेटा फाइल। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ये बिल्कुल जो है पिक्चर की तरह ही आती है, जैसा कि हमने ये वाले फाइल को आपको दिखाया था उसी प्रकार आप इस पर भी सेलेक्ट रखते हुए और जब किसी पर भी आप क्लिक करेंगे तो बिल्कुल फाइल टूट करके जो है अलग अलग हो जाती है और इसके अंदर जो है आप बिल्कुल चेंजिंग कर पाएंगे जो भी चेंजिंग आपको करना है। तो इस तरीके से आप जो है इसका कॉपी स्पेशल का यूज कर सकते हैं और एमएस वर्ड में अगर कोई भी फाइल टाइप है तो आप उसको ला करके कोरल ड्रा के अंदर बिल्कुल कोरल ड्रा के टेक्स्ट में कन्वर्ट करके कोरल ड्रा की फाइल में कन्वर्ट करके जो है आप उसको प्रॉपर तरीके से सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। उसी के अंदर जो है एक और ऑप्शन नजर आ रहा था, हम उसके बारे में भी समझ लेते हैं और वो था ये यानी कि पेस्ट लिंक। जब आप इस पर क्लिक करके और एमएस वर्ड की फाइल बनी हुई है, मान लीजिए हमने एमएस वर्ड में से ही कॉपी किया था और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्चुअली कॉपी होकर के आ गया है यहाँ पर और आप जो है इसके अंदर कोई चेंजिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे और आप इसमें कोई भी अगर चेंजिंग करना चाहते हैं तो आपको एमएस वर्ड में जाना होगा। लेकिन इसके अंदर और जो दूसरी फाइल थी जो एमएस वर्ड में खुल रही थी उसके अंदर थोड़ा सा चेंजिंग होगा। एक्चुअली जो पहली वाली जो हमने ऑप्शन बताया था उसके अंदर क्या हो रहा था कि जब आप डबल क्लिक कर रहे थे तो एमएस वर्ड के अंदर जा करके वो एक न्यू फाइल ओपन होकर के उसके अंदर आपको परमिशन दे रहा था कि आप कोई भी चेंजिंग कर पा रहे थे। लेकिन इसके अंदर एक थोड़ा सा अलग है, एक एडवांटेज भी है कि आप जहां से फाइल को कॉपी करके लाए हुए हैं ये लिंक को जोड़ करके रखता है। जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये वही लेकर के आपको जाएगा जहां से आप कॉपी करके लाए हुए हैं इसको। जैसे कि हम डबल क्लिक किए तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल ये उसी फाइल पर लेकर के गया है और आप यहां पर चेंजिंग वगैरह करेंगे और उसके बाद जो है आप इसको क्लोज करेंगे, सेव करेंगे और उसके बाद जो है कोरल ड्रॉ के अंदर आपको बिल्कुल वैसे ही चेंज होकर के आपको ये मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों जो है ये पेस्ट स्पेशल का यूज होता है और जब हम मल्टीपल यूज करते हैं यानी कि कई बार क्या होता है कि काफी सारे लोग कोरल ड्रा को चलाना नहीं जानते हैं और
जो है कई सारी कंपनियां, जैसे कि डीटीपी वगैरह की कंपनियां हैं या फिर कोई भी बुक्स मैगजीन वगैरह की कंपनियां हैं, कोरल ड्रा का वर्क हो रहा है, लेकिन टाइपिंग वगैरह मैक्सिमम लोग जो है एमएस वर्ड में करना पसंद करते हैं कि क्योंकि टाइपिंग से रिलेटेड उसके अंदर काफ़ी सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो इसलिए जो है टाइपिंग का काम जो है एमएस वर्ड में होता है और डिजाइनिंग का काम ला करके जो है आप कोरल ड्रॉ के अंदर कर सकते हैं। तो इस तरीके से वहां से टेक्स्ट को उठाएंगे और कोरल ड्रॉ के अंदर ला करके हम जो है पेज को सेट कर पाते हैं। तो दोस्तों ये रहा पेस्ट स्पेशल का यूज। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा आपको, और एडिट के अंदर ही बाकी के जो ऑप्शंस बचे हुए हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों के समझ में आया होगा, और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।